انما اشكو بثي وحزني الى الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سيدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے تین نصیحتیں منقول ہیں پہلی نصیحت یہ کہ فرمایا لا تشکی مصیبتک اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہ کرو اور دوسری نصیحت فرمایا لا تحدث بوجعک اپنا درد کسی سے بیان نہ کرو اور تیسری نصیحت ارشاد فرمایا وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكْ بِلِسَانِكَ اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کرو اپنا تزکیہ بیان نہ کرو ان تین نصیحتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے تمام معاملات کا دار و مدار ان تین نصیحتوں پر ہے جو بندہ ان تین نصیحتوں پر عمل کرے گا اس کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے سب سے پہلی جو بات ہے کہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہ کرو اس کی کیا وجہ ہے اصل میں حالات انسان پر جو بھی آتے ہیں اچھے آئیں یا برے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو تقدیر پر ایمان جب ہو تو پھر انسان کسی سے اپنے حالات کی شکایت نہیں کرتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں آج خوشی یہاں ہے تو کل خوشی وہاں ہے آج غمی یہاں ہے تو کل غمی وہاں ہے یہ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے چنانچہ اس معاملے میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق سیدنا یوسف اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے واقعہ سے ملتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کو مکر کر کے کوئی تدبیر کر کے ان کے باپ سے لے گئے حالانکہ ان کے باپ کو سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے تھی یا پھر ان کے بعد ایک اور چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا بنیامین ان سے محبت تھی تو یوسف علیہ السلام کو تو لے گئے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیا لمبا واقعہ ہے کنویں میں سے آ کر
किसी काफिले ने उनको निकाला, फिर मिस्र के बाजार में फरोख्त हुए, फिर अजीज मिस्र के घर में चले गए, फिर वाली मुकर्रर हो गए, खजाना उनके सुपुर्द हो गया। जब खजाना उनके सुपुर्द हो गया और इधर पीछे कहत साली हुई, तो याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे उस वक्त गल्ला लेने की गर्ज से वहां मिस्र में गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो काफी बड़े हो चुके थे, इन्होंने तो उनको बचपन में कुएं में डाला था, तो भाई उनको पहचान न सके। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन यामीन को पहचान लिया कि ये मेरा छोटा भाई है और इनके साथ आया। तो एक तदबीर करके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन यामीन को अपने पास ही रोक लिया और रख लिया। अब जब वापस गए तो बड़े परेशान कि हमारा वालिद हमें क्या कहेगा कि बचपन में यूसुफ को गुम किया और अब जो है बिन यामीन को भी गुम कर दिया। यूसुफ का ही गम इतना था सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को के कुरान में आता है, वबयग़त ऐनाहु मिनल हुज़्न। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में यूसुफ में रोते रोते याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गई। इतना गम, रोते रोते आंखों की बिनाई चली गई। वबयग़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीब। तो दूसरे बेटे मना करते हैं कि अब्बू जी, आप तल्लाही तफ्तव तज़कुरु यूसुफ, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहते हैं, आप उसको छोड़ दें, हत्ता तकून हरगन औ तकून मिनल हालिकीन, आप उसे याद करते करते कहीं हलाक ही ना हो जाए। क्या उसका गम लिया हुआ है और उसके पीछे पड़े हुए हैं, और फिर ऊपर से बिन यामीन का भी गम लग गया। तो ऐसे हाल में सईदना याकूब अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। तो उस परेशानी के आलम में सईदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो सोने की स्याही से लिखने के काबिल है, और हर गमजदा दिल के लिए शफा है, जला है। इंसान जब उस जुमले को पढ़ता है तो इंसान के रग रग और रुए रुए रेशे रेशे में जो है एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। इरशाद फरमाया, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरे बेटो, मैं अपना गम तुम्हें तो नहीं बयान कर रहा, न मैं तुमसे शिकायत कर रहा हूं, मैं तो अपना गम अपने अल्लाह के सामने बयान कर रहा। फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। मैं तो सब्र जमील को इख्तियार करता हूँ, अल्लाह ताला ही मेरी मदद फरमाएंगे, अल्लाह ताला इस पर कादिर हैं। एक वक्त होगा कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला मेरे यूसुफ को मुझे वापस लुटा देंगे। चुनांचे वो वक्त आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो सारे मनाजिर देखे। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बताया कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया और जो मुझे मैं जानता हूँ मुझे पता है, तुम्हें उसका नहीं पता। तो अल्लाह ताला ने यूं जो है उनके सब्र जमील पर अल्लाह ताला ने उनके साथ खैर का मामला किया और उनके गम को दूर किया। एक मिसाल तो ये है कि इंसान पर मुसीबत परेशानी आए तो इंसान किसी से शिकायत ना करे, शिकवा ना करे, बल्कि अपने अल्लाह से ही बयान करे। ये सिफत हर मोमिन बंदे को, मुसलमान बंदे को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, जिस हद तक जब्त हो सके जब्त करना चाहिए। और इसकी दूसरी मिसाल सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर इम्तिहान ये आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक
अजीब बीमारी लगा दी। बीमारी ऐसी लगाई कि उनके जिस्म में अव्वलन दाने से बने, फिर वो जख्म बढ़ते बढ़ते इतना खराब हुआ कि उसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन उस हाल में भी सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवे का अल्फाज अपनी जबान पर नहीं लाए, बल्कि अपने रब को अपने दिल की मोहब्बत के साथ पुकारा करते थे और अल्लाह ही से शफा मांगते थे। बाद किताबों और तफसीरों में ये भी लिखा है कि अगर जख्म में से कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो उसको उठा के फिर रख दे कि तेरी जजा तो इधर है, तू किधर जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सब्र। और ये दुआ मांगते, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझे ये परेशानी लाहिक हो गई, मुझे ये बीमारी लाहिक हो गई, आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं, अल्लाह मेरी इस बीमारी और परेशानी को दूर फरमा दीजिए। चुनांचे अल्लाह से मांगते मांगते आखिर वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को भी कबूल किया और फरमाया, हाजा मुग्तसलुम बारिदुम व शराब, तुम अपनी एड़ी रगड़ो, एड़ी रगड़ी तो उसमें से नीचे से चश्मा सा निकला, उसमें से पानी निकला। फरमाया, हाजा मुग्तसल, ये पानी तुम्हारे नहाने के लिए है, बारिदुन ठंडा भी है मीठा भी है, तुम इस पानी से नहाओ तुम्हें शिफा मिल जाएगी। अल्लाह की शान, वो पानी से नहाए तो सारी तकलीफ जाती रही, बीमारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। तो हर हाल में अल्लाह ही को पुकारा। चुनांचे मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह फरमाते थे, उनको एक बीमारी लग गई, काफ़ी अर्सा परेशान रहे उस बीमारी में। तो एक दिन सुबह का वक़्त था, कहने लगे, आज मेरे अल्लाह मुझे शिफा अता कर देंगे, आज मेरे अल्लाह मुझे शिफा अता कर देंगे। तो दोस्तों ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चला कि अल्लाह शिफा देंगे? फरमाने लगे, आज रात जब मैं तहज्जुद में उठा दुआ मांगी तो मुझे अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक दी कि मैंने पूरी कैफियत के साथ ये दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और ये दुआ मांगने से अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी शिफा अता की थी। तो मैंने भी आज मांगी, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे भी आज शिफा देंगे। और मेरा ये तजर्बा है कि जब अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल भी करेंगे। अगर अल्लाह ताला किसी दुआ को कबूल नहीं करना चाहते तो उस दुआ की तौफीक ही नहीं देते। तो पता चला कि मुझे इसकी तौफीक मिली तो अल्लाह ताला मुझे शिफा भी अता फरमाएंगे। वाकई ही फिर ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा भी अता कर दी। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि अपनी मुसीबत की किसी और से शिकायत न करो, बल्कि अपना गम और अपने आंसू हमेशा अल्लाह के सामने ही बहाया करो। अल्लाह, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, मैं अपनी परेशानी तेरे सामने रखता हूँ, अल्लाह के डर से मांगने वाले हम बन जाएं। शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दो बुज़ुर्गों को अल्लाह के सामने ऐसे रोते हुए देखा जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ चिमट कर रोता है, बिलबिलाता है। दो बुज़ुर्गों को मैंने रात के आखिरी पहर में ऐसे रोता हुआ देखा। पूछा गया, कौन से दो बुज़ुर्ग? तो फरमाने लगे, एक तो मेरे वालिद हज़रत मौलाना यहया रहमतुल्लाह और दूसरे जो है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। इन दो बुज़ुर्गों को रात के अंधेरों में बहुत रोता हुआ देखा। फरमाते हैं कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह रात के अंधेरों में बच्चों की तरह बिलबिला कर रोया करते थे और पूरा दिन मखलूक के अंदर हंसा करते थे, मुस्कराया करते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब जलवत में आते हैं तो उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट ही होती है, लेकिन जब आप उनकी खलवत देखेंगे तो फिर वो अपने अल्लाह के सामने ऐसे रोते हैं जैसे बच्चा रोता है। इसलिए किसी ने कहा, हर वक्त का हंसना तुझे कहीं बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो।
तो सिर्फ हंसना ही नहीं चाहिए, कभी कभी अल्लाह के हुजूर रोना भी चाहिए। हमारे अकाबिर में से एक बुजुर्ग थे, उनको एक खतरनाक बीमारी लग गई, अंदर ही अंदर बड़े परेशान हुए, लेकिन किसी को ना बताया कि मुझे ये बीमारी है। सिर्फ ये हदीस सामने रख करके अपनी मुसीबत की किसी से शिकायत ना करो। हालांकि अगर इलाज की नीयत से बंदा डॉक्टर को बताए या इलाज की नीयत से किसी दूसरे को बताए कि मेरा इलाज करवा दो, मुझे दवा ला दो, तो उसमें हर्ज नहीं है, शिकायत का अंदाज ना हो, ये मना है। लेकिन हमारे बुजुर्ग बाज दफा इतनी एहतियात करते थे कि बताने की जरूरत ही क्या है, किसी को बताओ नहीं, इलाज जो खुद करना है कर लो या अल्लाह को बताओ, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे, तो वो एहतियात फरमाते थे। उन्हें बीमारी लग गई, दिन ब दिन कमजोर होते गए। क्लास में सबक पढ़ाने आते तो लबा देखते कि उस्ताद मोहतरम तो बहुत कमजोर हो रहे हैं, तो पूछते रहते, उस्ताद जी क्या मसला है, आप परेशान नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं, आपका रंग बदला हुआ है, समझ नहीं आती। तो कहते भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ ना बताते। तो एक तालिबे इल्म बड़े होशियार थे, उन्होंने समझ गए कि ये मखलूक को नहीं बताएंगे, ये अल्लाह को बताएंगे। तो रात के आखिरी पहर में जब उनकी इबादत और खलवत का वक्त होता था, वो तालिबे इल्म चुपके से किसी तरीके से वहां पहुंच के अंधेरे में पीछे बैठ गए। तो हजरत ने जब नवाफिल पढ़े और फिर उसके बाद जिक्र अज़कार के बाद जब दुआ मांगने लगे, तो रो रो कर ये आयत पढ़ रहे थे, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। ये आयत पढ़ते पढ़ते रो रहे थे और रोने के बाद अल्लाह ताला से कह रहे थे, अल्लाह मुझे फलां बीमारी लग गई है, आप मुझे शिफा अता फरमा दीजिए। उस तालिबे इल्म ने ये अल्फाज सुन लिए, फिर पता चला कि हजरत को फलां बीमारी है। तो वो लोग अपनी बीमारी भी नहीं बताते थे इस एहतियात में कि कहीं इस हदीस की मुखालफत ना हो, हालांकि ये जायज है, उसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिकवे का अंदाज नहीं होना चाहिए। बीमारी भी अल्लाह की नियामत, सेहत भी अल्लाह की नियामत। मुफ्ती शफी साहब रहमुल्ला जब आखिरी उम्र में बीमार हो गए, तो कोई आके कहता हजरत बहुत बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए, फरमाते हाँ बीमारी भी अल्लाह की नियामत, सेहत भी अल्लाह की नियामत, लेकिन हम कमजोर हैं, बीमारी वाली नियामत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बीमारी वाली नियामत को सेहत वाली नियामत में तब्दील फरमा। हम ये नहीं कहते कि ये बीमारी एक मुसीबत है, बल्कि ये भी अल्लाह की नियामत है, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरी नियामत अता फरमा जिसमें सहूलत हो। तो आपकी एक बेटी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बहन थी, एक दफा जो है उनके दांत में दर्द हुआ तो बड़ा उन्होंने हाय फरियाद किया। तो हजरत मुफ्ती साहब के पास आई कि कोई दम वगैरह डालें, तो पहले तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि भाई आपको अल्लाह ने 32 दांत दिए, सारी जिंदगी उन दांतों से आप खाती रही, उनको इस्तेमाल करती रही, उन नियामत का फायदा उठाती रही, कभी शुक्र अदा करने में तो इतना वावेला नहीं किया और इतना जबान को नहीं चलाया, आज एक दांत को जरा सा दर्द हो गया और इतना वावेला और इतना शोर मचा रही। इसी तरह राबिया बसरिया रहमतुल्लाह के सामने कोई खातून आई तो उन्होंने सर पे पट्टी बांधी हुई थी, तो फरमाने लगी सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हारे सर को शिफा दी, तुम्हें शिफा दी, कभी बीमारी नहीं आई, कभी शुक्र की पट्टी तो नहीं बांधी, आज जरा सा सर में दर्द हो गया तो आपने नाशुक्री की और लोगों को बताने की पट्टी बांध ली कि मेरे सर में दर्द है। तो हमारे मशायख जो है इतना लिहाज करते थे कि हमने मुसीबत और परेशानी सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को बतानी है, इसके अलावा हमने किसी को नहीं बतानी। अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदगी को नी अताए तू, गर्व खुशी रजाए तू। ए अल्लाह अगर तू हमें जिंदगी दे दे तो ये तेरी अता है, तेरा इनाम है, तेरा हदिया है, तेरा शुक्र है। अगर तू हमारी जान ले ले तो ये तेरी रजा है, कोई बात नहीं, जान तो है ही तेरी, तेरी अमानत है, तू जब लेना चाहे ले सकता है। तो ये तो अल्लाह ताला की एक अमानत है। अमानत पे एक वाक्य याद आया, सहाबियात में से खातून थी,
अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबियात के वाकयात भी बड़े अजीब हैं। तो उनके शोहर दीन के काम के लिए कहीं चले गए, तो काफी दिनों के बाद वापस आए। रात को सफर से आए थे, थके हुए थे, लेकिन अल्लाह की शान उनके घर पहुंचने से पहले उनका छोटा बच्चा फौत हो गया। अब एलिया बड़ी परेशान के मियाँ घर आएंगे, थके भी होंगे, सफर भी है, और फिर उनको पता चलेगा कि बेटा भी फौत हो गया, तो कितनी उनको परेशानी होगी। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त की औरतें भी माशाल्लाह सब्र शुक्र वाली और ईमान वाली यकीन वाली, उन्होंने बच्चे को गुसल कफन देकर एक चारपाई पे एक तरफ करके लिटा दिया और उसके ऊपर चादर वगैरह कोई चीज कंबल वगैरह डाल दिया। मियाँ घर आए तो उनसे अच्छे तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर इजी होकर मिली। हाँ जी, खैरियत से, सफर कैसा रहा? पानी पिलाया, खाना खिलाया, सारा कुछ, बातचीत हो गई। अब भई आप आराम कर लें। आराम किया, रात मियाँ बीवी आपस में उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो भी हुए। अल्लाह की शान, जब सुबह हुई उठे तो एलिया अपने मियाँ से मिली और कहने लगी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई बंदा अमानत रखवाए और फिर वक़्त पर वो आ जाए कि मेरी वो अमानत मुझे वापस करो, तो खुशी खुशी उसको लौटाओगे या परेशान होकर लौटाओगे? तो कहने लगा, खुशी खुशी लौटाऊंगा, उसकी अमानत है, इसमें क्या है? तो फिर एलिया ने बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक अमानत जो अब्दुल्ला या जो भी नाम था वो रखवाई थी, आज वो अमानत अल्लाह ताला ने ले ली है, लिहाजा आप इस पे ज़्यादा परेशान ना होइएगा। फिर उसके बाद खबर दी। सहाबी बड़े हैरान हुए। खैर, जनाजा वगैरह हो गया, जो भी हुआ। बाद में नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम को ये वाक़या बताया कि मैं तो इस तरह सफ़र पे था और वापस आया तो ये मामला हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दुआ दी, फरमाया इस रात के अंदर, बल्कि यूं दुआ दी, इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद में बरकतें अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद में बरकतें अता फरमाएंगे। वही बताते हैं कि उस रात के अंदर अल्लाह ताला ने हमारा जो मियाँ बीवी का ताल्लुक हुआ था उससे जो अल्लाह ताला ने हमल कायम किया और उससे फिर जो है औलाद हुई, और उस औलाद से आगे फिर 7 ऐसे बेटे अल्लाह ताला ने हमें अता किए कि जो दीन के आलिम बने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि अपनी मुसीबत अल्लाह के अलावा किसी को न बताओ। हाँ, इलाज की हद तक आप इलाज कर सकते हैं, इलाज करना सुन्नत है, उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखें, इलाज सुन्नत है और मकसूद भी इलाज होता है, शिफा मकसूद नहीं होती, शिफा तो अल्लाह की मर्जी से ही मिलती है। इलाज जब भी किया करें ये सोच कर के इलाज सुन्नत है, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा कर लें, तो सुन्नत पर अमल किया करें, शिफा मकसूद नहीं है। दूसरी नसीहत सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये फरमाया कि अपनी पाकीजगी बयान न करो, अपनी तारीफें न करो। कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया, फला तुज़क्कु अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। अपने आप का तज़किया न बताओ कि मैं इतना पाकबाज हूँ, मैं इतना नेक हूँ, मैं इतना साले हूँ, मैं इतना मुखलिस हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। अल्लाह जानते हैं कौन क्या है, अल्लाह जानते हैं कौन क्या है। इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपने मुंह से मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफें खुद ही किए जाना। तो हमारे अकाबिर इस बात की भी एहतियात करते थे कि कोई भी अच्छी बात हो, अच्छा काम हो, उसको अपनी तरफ मंसूब नहीं करते थे, बल्कि उसको अपने बड़ों की तरफ मंसूब करना, या जो है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना, या किसी और की तरफ मंसूब करना, उसे अपनी तरफ मंसूब नहीं करते थे कि ये काम मैंने किया है, अल्लाह ने ले लिया है, बस ये काम अल्लाह ने ले लिया है, अल्लाह की मर्जी से हुआ, काम करने वाले तो अल्लाह ही हैं, कमाल तो कमाल वाले का है, वगरना हमारे अंदर क्या है। तो इसलिए हर कमाल को कमाल वाले की तरफ लुटाना चाहिए, कमाल वाले की तरफ ही मंसूब करना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है। बंदे के अंदर की कैफियत ये हो कि मन आनम के मन दानम, मैं वो हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं वो हूँ जो मैं जानता हूँ। इंसान की हमेशा नज़र अपने अयूब पर हो, अपने नकायस पर हो, अपने कसूरों पर हो, इसी को दीद कसूर कहते हैं।
अपने कसूरों और अयूब को देखना। जब इंसान के सामने अपने अयूब होते हैं तो इंसान कभी भी अपनी नेकी पर और अपने अच्छे फैल पर कभी भी ताज्जुब का शिकार नहीं होता, अजुब का शिकार नहीं होता। अब मोर को देखते हैं कितना खूबसूरत होता है। सारे परिंदों में से खूबसूरत परिंदा मोर है, उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जब उसकी नज़रें अपने पाँव पे पड़ती हैं तो शर्मिंदा होता है कि मेरे पाँव कैसे गंदे हैं और कैसे बदसूरत हैं। तो उसे कभी भी अपनी खूबसूरती से अजब नहीं होता कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि हमेशा उसकी नज़र अपने पाँव पे होती है। तो इसी तरह जो बंदा अपने अयूब, अपने नकायस और कसूरों पर नज़र रखेगा, कभी भी वो बंदा अजब का शिकार होकर हलाकत में नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला उसे हलाकत से महफूज फरमा देंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि कभी कभी आप देखते हैं कि अल्लाह वाले भी अपनी तारीफ करते हैं, अल्लाह वाले भी अपनी तारीफ बयान करते हैं। तो हम जब छोटे होते थे अल्लाह वालों की महफल में बैठते थे तो अल्लाह वाले बाज़ दफ़ा ऐसी बात करते थे, अपनी ऐसी सिफत बयान करते थे, मज़ा तो उससे आता था और हमें भी शौक पैदा होता था, लेकिन दिल में ये सवाल पैदा होता था कि ये अपनी करामतें क्यों बता रहे, अपनी सिफात क्यों बयान कर रहे हैं, दिल में एक सवाल पैदा होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि हमारे और उनके मन की दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कुरान मजीद आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए एक मिसाल बयान कर रहा हूँ, वगरना तो कैफियात में बहुत फ़र्क है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नियमतों को बयान करो। अब एक बंदे पे अल्लाह ताला ने इनामात किए, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सिफात अता की, अगर वो उसको इस नीयत से बयान करे कि मैं अल्लाह की शान बयान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की दी हुई नियमतों का तज़किरा कर रहा हूँ, उनका इजहार कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो तहदीस बिन नियामत के तौर पर अगर अपनी सिफत जाहिर हो जाए तो वो कोई गुनाह नहीं बल्कि सवाब की चीज़ है, अच्छी चीज़ है। उसमें नीयत ये हो कि मैं अपने अल्लाह की शान बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की शान बयान। और फिर कई मर्तबा ये होता है कि ऐसी सिफत बयान करने से कई लोग तैयार हो जाते हैं कि हम भी ये काम करेंगे और ऐसा अमल हम भी करेंगे। तो एक हदीस में ये भी है कि अगर एक बंदा जो है ज़ाहरी अमल करता है और दूसरा खुफिया अमल करता है तो खुफिया अमल वाले को 70 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है ज़ाहरी अमल करने वाले से। लेकिन अगर कोई बंदा ये नियत करे कि मैं ज़ाहिरन अमल करूँगा ताकि मुझे देख के 70 अफराद और भी अमल करें, तो फरमाया इसका अजर उस खुफिया अमल करने वाले से भी 70 दर्जे ज़्यादा है। तो अल्लाह वालों का जो दर्जा है वो इससे अगला दर्जा है। हमारे लिए तो ये है कि ज़ाहिर के बजाय खफ़ी हो, और अल्लाह वालों के लिए ये है कि खफ़ी के बजाय ऐसा इजहार हो कि सारे ही उस अमल पे लग जाए। तो अल्लाह वालों का अमल, उसकी शान बहुत बुलंद होती है। उसकी मिसाल यूँ समझ लें, एक ही लफ्ज़ होता है किसी ज़बान से निकलता है तो उसका नूर होता है, और किसी ज़बान से निकलता है तो उसकी बेनूरी होती है। मिसाल के तौर पर फ़िरौन का लफ्ज़, मैं और आप फिरौन 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 करते रहें तो देखने वाले भी कहेंगे पता नहीं फिरौन से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पता नहीं यजीद से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो हमारी और आपकी ज़बान से ये अल्फाज सुनने से कोई इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा, कोई नूर नहीं फैलेगा। लेकिन कुरान मजीद में जब आप फिरौन का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो आपको एक एक हरफ पर 30 नेकियाँ मिलती हैं। क्यों? इसलिए कि यह अल्लाह की ज़बान से आया, वही लफ्ज़ अल्लाह की ज़बान से आया। तो जब ज़बान बदलती है तो तासीर भी बदलती है। एक ही लफ्ज़ अगर दूसरे के मुतकल्लम की ज़बान से हो उसका असर और है, तीसरे मुतकल्लम की ज़बान से हो उसका असर और है। तो जिन अशख़ास और जिन शख्सियात के अंदर खैर भरी होती है और अंदर नूर ही नूर भरा होता है, वो अगर ऐसे फोश अल्फाज भी इस्तेमाल कर दें तो उनसे भी नूर फूटता है। और जिन लोगों के अंदर गंदगी ही भरी होती है, कोई नूर नहीं होता, जुल्मत होती है, वो अगर खैर के अल्फाज भी बोलते हैं तो उनसे भी जुल्मत ही टपकती है। ये है, हजरत इक्तसानवी रहमुल्ला ने इस बात को यूं बयान किया कि देखो भाई, मौलाना रूम रहमुल्ला की जो मसनवी है उसमें भी कई फोहश किस्से और कहानियां हैं, लेकिन उन लोगों की जबान ऐसी थी कि जब
वो बयान करते थे और जिस बात को वो समझाना चाहते थे उस मौके पर अगर उस किस्से को ना लाते, फोहश किस्से को, तो वो बात समझ आ ही नहीं सकती थी। और फिर उन लोगों की जबान ऐसी है कि वो फोहश किस्सा भी बयान करते हैं तो उसमें से भी नूर फूटता है। और ये हकीकत है, मसनवी मौलाना रूम के एक एक शेर को आप पढ़ें, चाहे जाहिर में वो कैसा भी लगे लेकिन उससे दिल की दुनिया आबाद होती है, इंसान की रूहानी कैफियत उससे बढ़ती है। ये हकीकत है। इसी वजह से तो हजरत इकबाल थानवी रहमतुल्लाह ने मसनवी मौलाना रूम की 22 जिल्दों में शरह लिखी है, 22 जिल्दों में उसकी शरह लिखी। तो खैर, दूसरी नसीहत सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये थी कि अपनी तारीफें खुद बयान ना किया करो, इससे बचा करो, बल्कि कोई भी तारीफ हो तो उसको अल्लाह की तरफ या अपने बड़ों की तरफ मंसूब किया करो। कमाल तो कमाल वाले को सजता है, हम तो नाकिस हैं, हम तो कामिल नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अगर कहीं अल्लाह वालों की महफिल में आप देखें कि अल्लाह वाले अपनी कोई बात बयान कर रहे हैं तो ये समझो ये मेरी समझ का कसूर है, उनकी नीयत कुछ और है। क्योंकि ऐसे मौकों पर कई मर्तबा बंदा आधी बात समझकर बदगुमानी का भी शिकार हो जाता है। उसने सिर्फ यही पढ़ा होता है कि खुफिया अमल का सवाब जो है 70 दर्जे ज्यादा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होता कि अगर दूसरों को अमल पर बरंगेख्ता करने के लिए किसी चीज को जाहिर किया जाए तो उसका सवाब जो है उस खफी अमल से भी 70 दर्जे ज्यादा होता है। पूरी बात समझ में नहीं होती, इस वजह से बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। तो किसी से बदगुमान होना ये भी गुनाह है, तो किसी से बदगुमान भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी नसीहत भी फरमाई, इरशाद फरमाया, मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह से बचो। सैयदना मआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबी अलैहिस्सलाम यमन की तरफ भेज रहे थे तो आखिर में इरशाद फरमाया, मआज हो सकता है इसके बाद मेरी और तेरी मुलाकात जाहिर में ना हो बल्कि तू मेरी कब्र पर ही गुजरे, हो सकता है इसके बाद मेरी और तेरी मुलाकात ना हो। याद रखना मजलूम की आह से बचना, इसलिए कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं होता, इधर से मजलूम की आह निकलती है और उधर अल्लाह ताला उसको सुन लेते हैं। अब मजलूम के लिए ये जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली हो तो उसी की आह लगती है। हमारे उलमा ने लिखा कि मजलूम अगर काफिर भी है उसकी बददुआ भी लगती है और उसकी आह भी लगती है। मजलूम कोई जानवर भी है, कोई परिंदा भी है, उसकी भी बददुआ लगती है। तो किसी पर जुल्म न करो, उसकी आह से बचो। मजलूम के साथ फरमाए, यतीम की आह से भी बचो, वो भी एक किस्म का मजलूम ही होता है। फरमाए, ये दो ऐसे लोग हैं कि इनकी आहें उस वक्त चलती हैं जब सारी दुनिया सोती है, रात के अंधेरों में इनकी आहें चलती हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। इसलिए जो बंदा ऐसा कमजोर हो, मजलूम हो कि जिसका सहारा अल्लाह के सिवा कोई ना हो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे पे जुल्म करने वाला कायनात का बदतरीन शख्स है। मुझे सबसे बुरा काम ये लगता है कि इंसान ऐसे शख्स पर जुल्म करे कि जो आगे से जवाब न दे सकता हो, उसका कोई सहारा ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। ऐसे कमजोर बंदे पे जुल्म करने वाला बंदा कायनात का बदतरीन शख्स है। और नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, या रब्बिल मुस्तज़ाफीन, बड़ा प्यारा जुमला है, फरमाया, एक कमजोरों के रब, एक कमजोरों के रब, ए बेसहारों के रब, ए बेकसों के रब। अल्लाहु अकबर कबीरा, अपनी दुआ में इस जुमले को शामिल करना चाहिए। और फरमाया कि याद रखो, मजलूम का इंतकाम अल्लाह खुद लेता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जिसके पीछे बहुत होते हैं उसका इंतकाम तो पिछले लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे कोई नहीं होता उसका इंतकाम फिर अल्लाह खुद लेता है। चुनांचे एक बुजुर्ग का वाकया है, उनके बारे में आता है कि उनको किसी शख्स ने बुरा भला कहा और बहुत ही बुरा भला कहा, तो हजरत ने अपने किसी दोस्त से कहा कि इसको एक थप्पड़ लगाओ। हालांकि अल्लाह वाले तो माफ कर दिया करते हैं, वो तो फौरन सजा और इंतकाम नहीं लेते, फौरन बदला नहीं लेते, लेकिन हजरत ने फरमाया कि नहीं, इसको थप्पड़ लगा दो। अभी वो साथी सोच ही रहा था कि थप्पड़ लगाऊं या ना लगाऊं, वो बंदा फिसला और उसकी टांग टूट गई। तो हजरत ने फरमाया, इसलिए मैंने तुझे कहा था कि इसको थप्पड़ लगा दो ताकि टांग टूटने से बच जाता। मेरा ये तजर्बा है कि जब कोई बंदा मेरे साथ बुरा सलूक करता है, अगर मैं खुद बदला ले लूं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ठीक किया, अच्छा किया,
अगर मैं खुद बदला ना लूं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं खुद बदला लूंगा, और अल्लाह ताला फिर उस बंदे से बदला लेते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद जो फरमा दिया हदीस कुदसी, मन आदली वलियन फकद आदंतुहु बिलहर्ब, जिसने मेरे किसी वली को अतना तकलीफ पहुंचाई उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह ताला खुद फिर इंतकाम लेते हैं। इसलिए लेकिन याद रखें कि इंतकाम लेने में अल्लाह ताला की तरफ से ताखीर होती है, और ये भी जरूरी नहीं कि अल्लाह वालों का ही इंतकाम लेते हैं। कोई एक आम बंदा है, मजलूम है, अल्लाह ताला उसका भी इंतकाम लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह वाला ही हो, अल्लाह ताला उसका भी इंतकाम लेते हैं। दो मुसलमानों का आपस में कोई ऐसा मामला हो गया, एक ने दूसरे पर ज्यादती की, तो अल्लाह ताला मोहलत तो देते हैं कि फलां ने फलां को नाराज किया हुआ है, ज्यादती की हुई है, जुल्म किया हुआ है, मैंने इससे इंतकाम लेना है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नादा हैं, ना समझ हैं, हो सकता है ये आपस में सुलह का मामला कर लें, इनको मोहलत दी जाए, हुज्जत ताम हो जाए, कल क़यामत के दिन ये ना कह सके कि हमें तो मोहलत ही ना मिली थी सुलह करने की, आपस में ताल्लुक निभाने की, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की मोहलत ही ना मिली थी। इसलिए अल्लाह ताला कुछ देर मोहलत दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला भूलते नहीं हैं, अज़्ज़म्बु ला युन्सा, गुनाह और ज़्यादती और ज़ुल्म कभी भूला नहीं जाता, इसे भुलाया नहीं जाता। अल्लाह ताला याद रखते हैं किसने किसके साथ ज़्यादती की थी। अगर इंसान उससे माफ़ नहीं करवाता तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला फिर उस बंदे का इंतकाम लेते हैं। इसलिए इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि बस वो हो गया सो हो गया। किसी के साथ भी कोई अदना ज़्यादती की हो, जुल्म किया हो, उससे माफ़ करवा लेना चाहिए, वगरना दुनिया में भी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अपने आप को बस अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो, अल्लाह के हवाले कर दिया करो। इसको कहते हैं तफवीज, व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ए अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। आपके साथ कोई ज्यादती करे, अल्लाह तेरे सुपुर्द, और आप इस फिक्र में ना पड़े कि मैं इसका इंतकाम लूँ या इसका बदला लूँ। और फरमाते थे कि आप किसी नियामत को हासिल करने को इख्तियार ना करो कि फलां नियामत मुझे मिल जाए, फलां नियामत मिल जाए। अल्लाह ने जो नियामतें तुम्हारे मुकद्दर में लिखी हैं वो तुम्हें मिल कर रहनी है, वो मिलेंगी। तुम अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह तू जो देना चाहता है दे दे, जो नहीं देना चाहता ना दे। देगा तो मैं तेरा शुक्र करूंगा, नहीं देगा तो मैं सब्र करूंगा। तू मुझसे राजी रहना, नाराज ना होना, चाहे बाकी जिस हाल में भी तूने रखना है मुझे रख ले। तो अल्लाह वालों की ये कैफियत होती है तफवीज की, वह उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, और फरमाया करते थे कि अल्लाह के सामने अपनी नेकियों के फौत होने पर रोया करो, नेकियों के फौत होने पर रोया करो। अगर रोना ना आता हो तो रोने वालों की शक्ल ही इख्तियार कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, नबी अस्सलाम ने फरमाया फ इल्लम तबकू फतबाकू औ कमा काल, अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो बतकल्लुफ रोने वालों की शक्ल इख्तियार कर लो। हज़रत बनोरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक दफ़ा आपसे जमात में ताखीर हो गई, जमात की नमाज में। हुआ ये था कि असर की नमाज से पहले किसी साहब उनको ले गए जुमा के बाद के फलां जगह दुकान के इफ्तिताह करना है। तो हजरत ने फरमाया कि भाई मैंने असर की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़नी है जमात के साथ, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो लोगों ने कहा ठीक है जी हम पहुँचा देंगे। आमतौर पर होता ये है जब अपना काम होता है तो उस वक्त तो जी जी करते रहते हैं, लेकिन जब ले जाते हैं इफ्तिताह हो गया दुआ हो गई तो फिर मौलाना साहब की कोई फिक्र ही नहीं होती। अब लेट होते हैं तो हो जाए, कोई परवाह ही नहीं होती। तो उन साथियों ने कुछ सुस्ती कर दी, ताखीर कर दी, हजरत के आते आते जमात हो गई। तो हजरत इतना रोए कि जिस तरह बच्चा रोता है बिलबिलाकर, इतना रोए। तो किसी ने कहा हजरत जमात में ही ताखीर हुई, नमाज का वक़्त तो अभी है, इतना आप रोए। हजरत फरमाने लगे हमारे पास एक नकल ही तो है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की नकल करते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। अगर वो नकल भी फौत हो जाए, उसमें भी ताखीर हो जाए, उसमें भी कोताही हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। वो कैफियत तो हमारी है नहीं कि नबी अस्सलाम जैसे नमाज पढ़ते थे वैसी नमाज हम पढ़े, एक नकल ही है। तो मां अगर नकल भी इख्तियार कर लोगे, कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा क्या लाए हो, तो हम ज़बान हाल से यूं कहेंगे या रब तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत तू इसको कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो आज दुनिया में रहते हुए नबी अलैहिस्सलाम की नकल को इख्तियार कर।
नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि सारी जिंदगी में सिर्फ दो या तीन मरतबा तकबीर उल्ला फौत हुई, नमाज की तकबीर उल्ला सारी जिंदगी में सिर्फ दो या तीन मरतबा फौत हुई। एक मरतबा तो ऐसे ही हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम बनु अमर इब्न औफ उनके कबीले में कोई लड़ाई हो गई थी तो सुलह कराने गए थे, तो जाते हुए सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह गए कि नमाज का जब वक़्त हो अजान कह देना, और अगर मैं लेट हो गया तो अबू बकर से कह देना कि वो नमाज पढ़ा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा सा लेट हो गए तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि आप नमाज पढ़ाएं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। तो चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए, तकबीर कह दी गई, नमाज शुरू हो गई। अब इतने में पीछे से नबी अलैहिस्सलाम आ गए। अब सहाबा इकराम को अजीब लगे कि नबी अलैहिस्सलाम अब पीछे होंगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे होंगे। तो कुछ सहाबा ने तालियां बजाना शुरू की कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल जाए कि नबी अलैहिस्सलाम आगे हैं। लेकिन रवायात में आता है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज शुरू कर लेते थे तो फिर उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती थी, इसलिए काफ़ी देर उनको ना पता चला कि पीछे क्या हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम आकर नमाज में शामिल हो गए पहली सब में एक किनारे पर, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को महसूस हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम अब वो पीछे हंसने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि आप पढ़ाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहने के बावजूद पीछे हो गए, उनसे नमाज पढ़ाई न गई। नबी अलैहिस्सलाम फिर आगे हो गए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद फिर एक तो इरशाद फरमाया कि देखो भाई, तुम लोग नमाज में तालियां बजा रहे थे, ये तालियां क्यों बजाते हो? अगर इमाम को कोई बात कहनी या समझानी है, मुतवज्जे मुतनब्बे करना है, तो तुम तस्बीह को सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, तालियां तो औरतों के लिए हैं। अगर औरत नमाज में पीछे खड़ी है और इमाम साहब भूल जाते हैं कि गलती हो जाती है, तो औरत की आवाज़ जो है पर्दा है, इसलिए उसको चाहिए कि वो ताली बजाए। मर्दों को चाहिए कि वो ताली ना बजाएं बल्कि वो तस्बीह कहें। एक तो इसकी सलाह की, दूसरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अबू बकर मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम नमाज पढ़ाओ, फिर भी तुम पीछे हो गए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है अल्लाह के नबी मौजूद हों और कहाफा का बेटा अबू कहाफा जो है मुसल्ले पे खड़ा हो? मुझसे नमाज पढ़ाई नहीं जानी थी, मुझे गवारा ही नहीं होता था कि आपकी मौजूदगी में मैं नमाज पढ़ाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक तो ये मौका था कि नबी अलैहिस्सलाम की तकबीर उल्ला फौत हुई, और एक मौका वो था कि जो आपने मशहूर वाक्य सुना है, बीमारी की हालत में थी, हालत में थे नबी अलैहिस्सलाम, दो बंदों के कंधों पर जो है अपने इस तरह बाजू रख के और उनके कंधों पर सवार होकर मस्जिद तशरीफ लाए थे नमाज पढ़ने के लिए, और बैठ कर उस वक़्त नमाज हुई थी। उलमा का इसमें भी इख्तिलाफ है कि पता नहीं इमाम उस वक़्त अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे या नबी अलैहिस्सलाम थे, लेकिन ज़्यादा वाज़े ये है कि नबी इस्लाम इमाम की हैसियत से थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला मुकब्बिर की हैसियत से थे। तो बहरहाल जो भी था, उस मौके पे भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तकबीर उला रह गई थी। और एक गज़वा तबूक का मौका था कि उसमें जो है कुछ नमाज में थोड़ी ताखीर हुई थी, तो उसके बारे में सही तहकीक नहीं है। ये दो या तीन मौके ऐसे हैं कि जिनमें नबी अलैहिस्सलाम से तकबीर उला रही, इसके अलावा सारी जिंदगी में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की तकदीर उला भी फौत नहीं हुई। जमात फौत होना तो बहुत दूर की बात, नमाज फौत होना तो बहुत दूर की बात, इसके अलावा कभी नबी अलैहिस्सलाम की नमाजों में ताखीर नहीं हुई। तो हम कम से कम ये नकल तो कर लें कि पांच वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिरी दे दिया करें। कैफियात तो बाद की बात है, नमाज का दुरुस्त होना वो तो बाद की बात है, हम नकल तो उतार लें। तो नकल अगर उतारेंगे तो कल क़यामत के दिन कह सकेंगे, या रब तेरे महबूब की शबात लेकर आए हैं, हकीकत तू इसको कर दे, हम सूरत लेकर आए हैं। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।